हाय गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं बड़ी बहन हूँ तो बड़ी बहन का फ़र्ज़ होता है कि मतलब छोटी बहन को जो भी चाहिए दे। आज पहली बार मेरी छोटी बहन मुझे शॉपिंग पे लेके जा रही है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन खुश से ज़्यादा प्राउड। और शायद मूवी भी देखे, कुछ खाए पिए, तो बेसिकली डेट पे लेके जा रही है। थोड़ा दुखी हूँ क्योंकि हिगी अकेला रहेगा और हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आज मैं ऐसे ही जाऊँगी, मेरे मेकअप करने का मन नहीं है। तो मैंने पहना है ये एक ड्रेस है, मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। ये मम्मी की थी, इतना लंबा था तो इसको काट के आर्मोनिक में सेम देखा था 3000 का। हाँ, जो मेरी मम्मी को होता है, जो मेरी बहन को होता है, वो मुझे भी होता है। मतलब मैं पतली हूँ। हाँ, थोड़ा मार्केट जाएगा, मम्मी आएगा 8 तारीख में, मम्मी का बर्थडे है। कुर्ता, लेकिन मेरी मम्मी का बर्थडे है, उनके लिए भी हम कुछ ले लेंगे। बता रही है, कोई पूछ रही कि कहाँ जा रही है। तो जो ड्रेस है पहना था, वो मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ ही नहीं, बहुत गर्ली था मेरे लिए। दिस इज मोर लाइक मी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसके मैं बैग कौन सा लूँगा। तू लेगा आज बैग, हम लेगा। बस घड़ी पहन लिया और फोन ले लूंगी, दैट इज इट। मैंने हिक्की को खाना दे दिया। खाना खा लिया? मुझे दूर का नहीं दिखता, तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं चश्मा पहन के जाती हूँ। पहनना ही पड़ेगा ये ना, इस बाहर हैंडल नहीं है, अगर इसको मैं एक बार धक्का दे दिया तो खोलने में बहुत मुश्किल होता है। बुनो, खोल दो तो प्लीज। वैसे मैं ढूंढने जा रही हूँ पिंक कलर का शर्ट, लेकिन अगर शर्ट नहीं मिला तो जीन्स देख लेंगे, जीन्स नहीं मिला तो ड्रेस। कुछ प्रायोरिटी है, सबसे पहले शर्ट लेना है। अचानक लेकिन आज हमको क्यों ऐसे वो करने मन हो गया? आज क्यों ऐसा दिल हुआ तुम्हारा कि शॉपिंग पे ले जाए, कुछ खाने पे ले जाए? नहीं, क्योंकि जब फर्स्ट सैलरी मिला था, हाँ, तो मम्मी को भेजा, ठीक है, मतलब आपके लिए कुछ भी नहीं लिया ना, और आपको बर्थडे भी दिया जनवरी। तो नया लाया था हमने और हिकी ने इसको पूरा कुरेत कुरेत के कर दिया। तो ये हमने हिकी के लिए छोड़ दिया है, यहाँ पे ये खेलेगा, बॉल भी रख दिया है। देख लो ये कैसा लग रहा है, और जब हम आएंगे वापस तब देखेंगे ये कैसा लगेगा। हिकी ने हमने कुछ खाने का डाल दिया है, तो खा रहा है, तो हम चुपचाप निकल जाते हैं। उस इंसान ने घूर घूर के देखा था, इसको गुस्सा आया। वो आदमी मैं बहुत जल्दी बाल काटने वाली हूँ। सच में बाल काटने बोल रहा हूँ। हम भी ना इतना काट के स्ट्रिप करके सोते हैं हम फिलहाल। रास्ते में रुक के छोटा है, ज्यादातर मैंने इतना ही पहन मतलब बाल रखा है, तो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल उसमें लगता है। तू भी सर्टिफिकेट, मेरा सर्टिफिकेट हम भी नहीं लाए। तू हमको पर्स मतलब बोले तो डायरेक्ट, हम कुछ भी नहीं लाए। अरे ऑनलाइन दिखा सकते हैं ना। हाँ, क्या था, कैसे ढूंढना है? रुको रुको, मैंने फोटो खींच के रखा था अपना सर्टिफिकेट का, और इसका ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया। तो मैं ना ही बात कर रही हूँ कि कितना लोगे, क्या लोगे, सब कुछ नहीं करिए आज। मैं गेट से घुसते हमको दिख गया ये, तो पिंक शर्ट जो हम ढूंढ रहा था। हाँ, ये तो चाहिए हमको, ये गेट है और ये शर्ट। इधर हम मम्मी के लिए लेने जाएंगे, इलाहाबाद में देखेंगे। हमारे मम्मी का ना शॉप है कपड़ों का, लेकिन वो खुद के लिए कभी कपड़े नहीं खरीदती, तो हमने सोचा कि हम उनके लिए कपड़े खरीदते। कुछ दूसरा दे, अगर देना चाहे तो कुछ बड़ा देना चाहिए, लेकिन बड़ा के लिए पैसा नहीं है। एक दिन हम मम्मी को यहाँ से गिफ्ट करेंगे। हाँ, खरीदेगा बोला है। हाँ, सही मम्मी, हम भी खरीदेंगे मम्मी को। मम्मी एक दिन मम्मी जल्दी आएगा वो। ओह माय गॉड, जापी इतना सारा। इस बिहू आने वाला है, तो इन्होंने पूरा मॉल को जापी से सजा दिया। और ले जाएगा ना पहले, तो बहुत फेस्टिव वेयर है ना। ये वाला इतना सुंदर है, मम्मी का कलर में अच्छा भी लगेगा। तो दिखा इधर, हमें ऑरेलिया में कुछ सही नहीं लगा, अभी W में जा रहे हैं। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा जो हमें पसंद है, मतलब हम मम्मी की नज़र से सोच रहे हैं ना, तो कुछ इतना पसंद नहीं आ रहा। तो लास्ट अभी बीबा में देखेंगे। मम्मी के लिए इतना प्यारा सूट मिला, थैंक गॉड।
बर्ड हमने ऑर्डर लिया और डब्ल्यू से नहीं लिया, मतलब ये लास्ट हमने सोचा था लास्ट चेक कर लेंगे, पर यहाँ पे इतना अच्छा वाला मिल गया। हैप्पी, मम्मी को पसंद आ जाएगा। और अभी हम लोग मूवी थिएटर जाएंगे। हमें ना मूवी टिकट नहीं मिला, 8 बजे का मिल रहा है, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे कुछ खाएंगे फिर मेरा शॉपिंग करने जाएंगे। यहाँ पे एक फ्ली मार्केट जैसा है, फ्ली मार्केट नहीं इसको क्या बोलते पता नहीं, ऐसा यहाँ का खाना कभी नहीं खाया। और मैंने सुना है कि यहाँ का पोर्क विथ लाई पत्ता बहुत टेस्टी होते हैं, तो मैं पोर्क लाई पत्ता राइस खा रही हूँ और मेरी बहन फ्राइड राइस और कुछ पता नहीं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तो बहुत भूख लग रही है। मैं शॉपिंग के लिए तो एक्साइटेड होती हूँ हाँ, लेकिन आज मैं ज़्यादा बहन मुझे लेके आई है डे आउट पे, मैं उस चीज़ के लिए ज़्यादा खुश हूँ ना कि शॉपिंग के लिए। मैं ये टाइम को मतलब इम्प्रेस कर रही हूँ और मुझे यही अच्छा लग रहा है। क्योंकि क्या कर रहा हो ना बॉल से खेलो, तुमको लगता है वो सोया होगा। ये वाला का कुछ मिल नहीं रहा। जो मैंने जंप शूट पहना था ना वो मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन एक साइज बड़ा था। डे आउट हो गया यहीं पे ख़त्म और हो गया रात, जल्दी से भाग के अभी हिकी के पास जाना है। मैंने बोला था ना ऐसा करके रखेगा ये, मैंने बोला था ना बोलेंगे बोला था कौन पानी बनाने वाला आया, थोड़ा पाइप में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज डिनर भी मेरी बहन ही बनाएगी, मुझे बस आराम करना है आज। आज मेरा आराम का दिन है, लेकिन सच में बहुत इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि ये शर्ट ना मैं देखना, आप अगर मैं 10 साल तक भी, 20 साल तक भी, 50 साल तक भी ब्लॉगिंग करूँ ना तो शर्ट हमेशा रखूँगी अपने पास, क्योंकि मेरी बहन की अपनी कमाई से पहली बार उसने मुझे कुछ दिया है, मैं उसको एकदम संभाल के रखूँगी। इसको किसी को पहनने भी नहीं देगा और किसी को दे और किसी को क्यों दूंगी। मैं पागल दिखती हूँ। मैंने जो तुम्हें अपने फर्स्ट सैलरी से दिया था कुछ, हाँ, वो का है? है हाँ, का है दिखाओ। आप तो 3-4 दिया था लेकिन 2 ही है मतलब। ये वाला दिया था मैंने, ये वॉच दिया था चुंबक से। तुमको क्या दिया था मम्मा ने फर्स्ट सैलरी से? किचन था चुंबक का है। ठीक है वो मान गए कि तुमने रखा है। नहीं है उसे। ओ शिट बोलो पागल, आग लगने वाला था इसमें, ये तेल तवा के ऊपर ये दिया था। बेस इतना गंदा मतलब कि ये का है ना गंदा चिपक जाता है। बेस्ट सीज इन द यूनिवर्स ये दिया था। आप खाना बना आज हम लोग लेटस में चिकन रैप करके खाएंगे और हमारे पास है शेजवान चटनी, तो इन तीनों से हम लोग कुछ डिलीशियस सब बनाएंगे। और यहाँ पे लहसुन छील रही है मेरी बहन। ये फ़ोन ऐसे क्यों रखा हुआ है? सीरियल देख रहा था ये हम लोग का लेटस रहेगा, ये हम लोग का कढ़ी में बनाएगा आलू की। ठीक है कढ़ी, और ये कढ़ी बनाएगा और ये लेटस। हाँ ये कितना मिलता है यहाँ पे? 150 सेम है ना प्राइस हर जगह।
बार्टर एंजॉय करते हैं, तब तक मेन कोर्स बन जाएगा। बहन मेरे लिए क्या क्या कर रही है, ओह माय गॉड। और सैलेड भी काट लिया साइड में, ना जूसी देखो जूस, ओह माय गॉड आ करो गाइस। थैंक यू बुनू, देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रहा है। पहली बार मेरे चैनल पे इसने बनाया है मेरे लिए। तो हम पहले टेस्ट करेगा। हाँ मैं लेटस लूँ इसके बीच में। अच्छा लो चम्मच तो लाया नहीं। दुर्गा हम पहले टेस्ट करेगा। देखो मैंने रैप बना लिया है ना बड़ा, रेडी। टेस्टी है सच्चे। हम खाएगा। बोलो बोलो। बोलो कसम लगे भगवान की, ऐसा लग रहा है कि ना इटालियन डिश, ऐसा लग रहा है कि बर्गर भी खा रहा है, लेकिन ना टेस्टी। ओह माय गॉड इटालियन मैक्सिकन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि स्पाइसी भी है ना यहाँ पे, मैक्सिकन ज़्यादा लग रहा है। इतना टेस्टी होगा पता होता तो मैं कब का खाती। गाइस प्लीज 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 इसको ट्राई करना, ये बहुत टेस्टी है सच में। मेरे घर पे कोई भी मेहमान आएगा ना मैं यही खिलाऊंगी पहले। किसी किसी को ना अगर ने पूरा खा लिया। तब तक देखते हिक्की ने खा लिया कि नहीं। हिक्की मम्मी खाया, मम्मी खा लिया। ए जी मम्मा मेरा बत्ता ने भी गिला गिला के खा दिया। ऐसे खाना खाया अभी अपने बेड में बॉल लेके। बॉल क्यों ले आए कि रात को थोड़ी ना बॉल खेलते हैं। खेल रहा इतना केली केली करते हैं बॉल का चाट इतना ज़्यादा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कॉमेंट। गुड बाय, लाइक शेयर और कॉमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।